तो आज हम देखेंगे कि टेंस मशीन कैसे काम करती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड्स दे रखे हैं। और जो आपके सामने ये चार नॉब्स दे रखे हैं वो बेसिकली इंटेंसिटी चेंज करने के लिए है। तो इसको यूज़ में लेने से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो मेनली ये पेन रिलीव के लिए यूज़ में दिया जाता है, ये तो आपको पता होगा, बट बहुत सारी ऐसी पेनफुल कंडीशंस होती है जैसे कि लो बैक पेन हो गया, जो स्पेशली वुमेंस को होता है, तो उसके अंदर काफ़ी कॉमनली यूज़ में लिया जाता है। उसके अलावा बेसिकली जो मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशंस होती है जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, फिर स्प्रेन हो गया लिगामेंट इंजरी, या फिर स्ट्रेन हो गया मसल इंजरी, या फिर कोई भी टाइप का न्यूरोपैथिक पेन हो गया। न्यूरोपैथिक पेन में यानी कि नर्व से रिलेटेड, जैसे कि ट्राइजोमैनल न्यूरलजिया हो गया, या फिर फैंटम लिम्प पेन, या फिर शियाटिका। और इन सब के अलावा अर्थराइटिक कंडीशंस जैसे कि नी के अंदर ओए सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, तो इस टाइम पे भी पेन रिलीव के लिए हम टेंस यूज़ में ले सकते हैं। बट इन सब के अलावा आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारा जो नेक का एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर भी हमें नहीं देना होता है टेंस, क्योंकि वहाँ पर बीपी फॉल हो सकता है अगर हम वहाँ पर दें। इसके अलावा हमें आइज़ के आसपास भी नहीं देना होता है, या फिर किसी की आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा हुआ है तो फिर क्या करेगा, जो टेंस उसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर कर सकता है। तो इस वजह से किसी के आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा हुआ है तो अभी हम नहीं दे सकते, या फिर किसी के ओपन वुंड है, या फिर स्किन जो है वो ब्रोकन है तो उस टाइम पर भी नहीं दे सकते, या फिर किसी के मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या फिर किसी की एपिलेप्सी है तो फिर टेंस की वजह से उसके सीजर्स जो है वो आ सकते हैं, तो उस वजह से हम नहीं दे सकते। या फिर जो पेशेंट है उसको जेल से एलर्जी है, जो हम इलेक्ट्रोड के ऊपर जेल अप्लाई करते हैं उससे अगर पेशेंट को एलर्जी है तो अभी हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। अगर आपको इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर चेक करना, मैंने इसके ऊपर अभी वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ जाके वो चेक करें। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ में लेना है। तो इसके अंदर टोटल चार चैनल है आप देख सकते हो, और हर एक चैनल के अंदर एटलीस्ट टू इलेक्ट्रोड्स आ सकती है। ये एक चैनल है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स आ सकते हैं, ये हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड्स है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जेल लगता है जिसके थ्रू इजीली जो करंट है वो कंडक्ट हो सकता है हमारे स्किन के अंदर। तो अब हम इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर लगाते हैं चैनल के अंदर। तो अब हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दी है, अब इस चैनल को हम उसके अंदर फिक्स करते हैं मशीन के अंदर। तो हमारी इस मशीन के अंदर टोटल चार चैनल फिक्स हो सकते हैं, बट इसके अलावा दो चैनल वाली भी आती है और एक चैनल वाली भी मशीन्स आती है। तो ये हमारे चारों चैनल्स हैं जो हमें इस मशीन के अंदर फिट करने होते हैं, और हर एक चैनल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग टोटल हम 8 इलेक्ट्रोड्स हम पेशेंट को लगा सकते हैं। तो अब हमने अपना 8 चैनल जो है वो फिक्स कर लिया है। अब हमेशा याद रखना कि मशीन को ऑन करने से पहले हमें हमेशा प्लेस करना ज़रूरी है इलेक्ट्रोड्स को। तो हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड्स को जहाँ पर भी पेशेंट अपना पेनफुल या फिर ट्रिगर पॉइंट्स बताएगा, तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रोड्स को वहाँ पर यूज़ में वहाँ पर रखते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जेल लगा दिया है। अब इलेक्ट्रोड्स को स्किन के ऊपर फिक्स करने के लिए हम या तो हम स्ट्रैप्स का यूज़ में ले सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो ये जो स्ट्रैप्स है हम पेशेंट के ऊपर रैप कर सकते हैं ताकि अच्छे से जो इलेक्ट्रोड्स है वो फिक्स रहे। इसके अलावा माइक्रोपोर भी आती है, वो भी यूज़ में ले सकते हैं। ये माइक्रोपोर की मदद से इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर रखा है स्किन के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे हम स्ट्रैप्स का यूज़ नहीं ले सकते। इसके अलावा जो लो बैक पेन होता है वहाँ पर भी हम माइक्रोपोर यूज़ में लेते हैं, स्ट्रैप्स यूज़ में नहीं ले पाते। और ये हमने स्ट्रैप्स की मदद से इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर रखा है। अब जो इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट है वो हम जो पेनफुल पॉइंट्स है, ट्रिगर पॉइंट्स है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स को रख सकते हैं, या फिर डर्मेटोम्स, मायोटोम्स, उनके ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर क्रॉस्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन फॉर्म्स के अंदर रख सकते हैं। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बताऊंगी आप लोगों को, तो उस टाइम पे मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इलेक्ट्रोड्स को एक्चुअल में कैसे अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। अब हम मशीन को ऑन करते हैं, तो पीछे से एक स्विच होता है जिसको हमें ऑन करना होता है, फिर मशीन ऑन हो जाती है। और अब हम इसका टाइम सेट करते हैं, तो टाइम को बढ़ाने के लिए हम ये स्विच का यूज़ में लेते हैं। नॉर्मली स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट्स रखते हैं, फिर बाद में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं 45 मिनट्स तक। अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है अक्यूट कंडीशन में, तो अक्यूट केसेस के लिए हम फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली ज़्यादा रखते हैं, अराउंड 80 हर्ट्स या फिर उससे ज़्यादा।
तो उसको हाई टेंस बोलते हैं, और जो अगर क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर आया तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं, अराउंड 2 हर्ट्स या फिर 40 हर्ट्स। अब हम मोड देखते हैं, तो मोड इसके अंदर बहुत सारे टाइप के, कंटिन्यूस बर्स्ट, PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड स्वीप मोड। फ्रीक्वेंसी मोड चेंज करने के बाद अब हम इनसे इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, बट इंटेंसिटी बढ़ाने से पहले आप स्टार्ट पे ज़रूर क्लिक करना, वरना इंटेंसिटी ऑन नहीं होगी। अब आपको इस नॉब को टर्न करना है ताकि आप इंटेंसिटी को ऑन कर सको। अब जैसे ही ये साउंड आए और रेड लाइट लगना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब इंटेंसिटी स्टार्ट हो गई है। अब आपको पेशेंट से पूछते रहना है कि कब आपको जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा अगर लगे तो आपको उसी वक्त स्टॉप कर देना है, आपको उसी इंटेंसिटी के ऊपर सेट कर देना है फिर टेंस। पेशेंट को स्ट्रॉन्ग सेंसेशन लगना चाहिए, बट कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। अब कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जैसे कि इसके अंदर बर्स्ट मोड जो है वो मेनली हम क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके अलावा PWM मोड है, इसका मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके अंदर जो पल्स की जो विड्थ है वो चेंज होती रहती है, तो उसका फ़ायदा ये है कि नर्व का अकोमोडेशन नहीं होता। नर्व अकोमोडेशन मतलब उसी इफेक्ट को लाने के लिए हमें अब जो इंटेंसिटी है वो चेंज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो नर्व है वो उस इंटेंसिटी के लिए अकोमोडेट हो गई है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर ये फ़ायदा है कि जो नर्व है उसका अकोमोडेशन नहीं होता। उसके अलावा स्वीप मोड भी होता है, और जो PWM मोड है वो हम क्रॉनिक और अक्यूट दोनों कंडीशंस के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। सो थैंक यू गाइज़।